वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी स्नैपचैट से मैसेज नहीं जा रहा है, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अपने प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि स्नैपचैट का कोई अप टू डेट तो नहीं आया हुआ है। अगर अप टू डेट आया होगा तो इसे आप अप टू डेट कर लेंगे, और अप टू डेट करने के बाद अब आपको क्या करना है ध्यान से देखेंगे। अपने स्नैपचैट पे स्नैपचैट पे कुछ सेटिंग्स करना है, तो आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। और सेटिंग में जब जाएंगे तो अगर आपका रेडमी या शाओमी का मोबाइल है तो आपको चले जाना है ऐप्स में, और ऐप्स में जब जाएंगे तो आपको जाना है मैनेज ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपचैट। तो जैसे आप स्नैपचैट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप स्नैपचैट पे आ जाएंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको स्टोरेज पे जाना है और यहाँ पे क्लियर डाटा जाके क्लियर कैच कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है ऐप परमिशन पे जा करके यहाँ से सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। जो भी परमिशन अलाउ नहीं होगा उसे डीने होगा, सभी को अलाउ कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजर्स पे, इन तीनों को अनचेक करके फिर से चेक करके ओके कर देना है। इसके बाद आपको फोरस्टॉप पे जाके फोरस्टॉप कर देना है, क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैच कर देना है, और एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो है स्नैपचैट से मैसेज सेंड भी होगा, और बड़ी ही आसानी से आप सेंड किसी को कर सकते हैं, और इसका यही सॉल्यूशन है। अगर वीडियो यहाँ पे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।